अब की बार टीम इंडिया जीतने वाली है वर्ल्ड कप, ये संकेत कर रहा है इशारा। पिछली बार जब ऐसा हुआ था तो टीम इंडिया जीती थी T20 वर्ल्ड कप। तो आइए जानते हैं क्या है ये संकेत। भारत और कनाडा के बीच खेला जाने वाला T20 वर्ल्ड कप मैच नहीं खेला जा सका। दोनों टीमों के बीच इस मैच का आयोजन फ्लोरिडा के लोडर हिल स्टेडियम में किया जाना था, लेकिन बारिश और गीली आउटफील्ड के कारण टॉस के बिना ही मैच को रद्द करना पड़ा। भारत और कनाडा के बीच यह पहला मौका था जब दोनों टीमें किसी T20 मैच में खेलने जा रही थी, लेकिन मौसम को कुछ और ही मंजूर था। इसके अलावा यह मैच रद्द होना टीम इंडिया और भारतीय फैंस के लिए एक अच्छे संकेत हैं। भारतीय टीम ने बतौर ग्रुप टॉपर अपना ग्रुप स्टेज खत्म कर लिया और टीम इंडिया अब सुपर 8 में खेलने के लिए तैयार है। भारतीय टीम सुपर 8 में अपने सभी मैच वेस्ट इंडीज में खेलेगी। तो क्या है टीम इंडिया के लिए अच्छे संकेत। T20 वर्ल्ड कप में यह दूसरी बार है जब भारत का मैच रद्द किया गया है। पिछली बार जब T20 वर्ल्ड कप में भारत का कोई मैच रद्द हुआ था तो यह भारत का पहला T20 वर्ल्ड कप मैच था, जो कि स्कॉटलैंड के खिलाफ डरबन में साल 2007 में खेला जाना था। भारत ने अब तक 46 T20 वर्ल्ड कप गेम खेले हैं और 31 गेम जीते, लेकिन एक भी मैच रद्द नहीं हुआ। उस वर्ल्ड कप सीजन टीम इंडिया ने खिताब अपने नाम किया था और पहला T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम बनी थी। वह मैच भी एसोसिएट नेशन के खिलाफ रद्द हुआ था और यह मुकाबला भी एसोसिएट नेशन के खिलाफ रद्द हुआ है। तो ये है टीम इंडिया के लिए अच्छा संकेत। पिछली बार जब मैच रद्द हुआ तो टीम इंडिया जीती थी T20 वर्ल्ड कप। क्या इस बार भी ऐसा हो पाएगा। भारतीय टीम का सुपर 8 का शेड्यूल कुछ इस प्रकार है। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 स्टेज में टीम इंडिया अपना पहला मैच अफगानिस्तान की टीम के साथ खेलेगी। इस मैच का आयोजन 20 जून को किया जाना है। अफगानिस्तान के अलावा टीम इंडिया ग्रुप डी की दूसरी बेस्ट टीम के साथ मैच खेलेगी, जो कि बांग्लादेश है। इसके बाद टीम इंडिया अपना दूसरा मुकाबला 22 जून को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी और तीसरा मुकाबला 24 जून को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। तो ये है टीम इंडिया का सुपर 8 का शेड्यूल। क्या टीम इंडिया इस बार T20 वर्ल्ड कप जीत सकती है? कमेंट जरूर करके बताएं।